पुरकाजी मांडला गांव में 2 अक्टूबर को 50 वर्षीय धीर सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की थी। 4 दिन पूर्व आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जगदीश पाल के नेतृत्व में पुरकाजी थाने पर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें पुलिस ने 4 दिन का समय मांगा था, मगर पुलिस के आज तक हाथ खाली हैं। मामले में आज आजाद समाज पार्टी के विधानसभा महासचिव शमशेर फरीदी पुरकाजी थाने में दर्जनों पीड़ित लोगों के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 4 दिन का समय दिया था, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई। उन्होंने कहा कि वे यह नहीं चाहती कि कोई भी निर्दोष इसमें जेल जाए और पुलिस किसी निर्देश बिना बात परेशान करे। उन्होंने कहा कि इस चीज़ का भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी विरोध करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस को निष्पक्ष जाँच कर कार्रवाई की मांग की है। जी सर, आपका नाम? शमशेर फरीदी जी। क्या मामला था? मैं पुरकाजी विधानसभा महासचिव आजाद समाज पार्टी। मामला ये है कि हमने पुलिस प्रशासन से जो मृतक थे मांडला केस जी, तो मृतक के बारे में बात हुई थी, धरना भी किया हमने। उसमें हमें 3-4 दिन का आश्वासन मिला प्रशासन से। अब कुछ मसला ऐसा है कि उसमें कार्रवाई तो कुछ हो नहीं पा रही और कुछ लोगों को परेशान भी किया गया, तो हमने उस विषय में बात की कि कोई बेगुनाह ना सताएगा, जो गुनाहगार है उन्हें सताएगा, ठीक है? क्योंकि कामदार आदमी अगर परेशान होंगे और जो इस लायक अगर अपराधी है तो आप बेशक सजा दीजिए, लेकिन अपराधी नहीं है तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि भीम आर्मी इस चीज़ का विरोध करेगी। आज़ाद समाज पार्टी, हमारी आजाद समाज पार्टी का कहना है कि किसी की विसाप ना इंसाफी नहीं होने देंगे। यदि अगर किसी को परेशान किया गया तो उसका पुरजोर सामना करेंगे। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी जगदीश पाल जी के नेतृत्व में ये मसला हुआ है। पार्टी के नेताओं के बहुत से फोन आ रहे हैं, उन्होंने पूछा है मुझसे थाने की कार्य प्रणाली को लेकर कि निष्पक्ष काम होना चाहिए। अगर निष्पक्ष नहीं होगा तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी दोनों फिर इसका पुरजोर मुकाबला करेगी। इसी के साथ पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन का कहना है कि देखिए, हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जैसा उचित होगा आपको बताया जाएगा। अभी हमारी कुछ केस अभी खुलना बाकी है, अभी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई, तो जब पुष्टि हो जाएगी अभी तो बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा।